नमस्कार। देखिए, अभी हम जो आपके पास एक मुद्दा लेकर के आए हैं, मजाक वाली मुद्दा नहीं है, कॉमेडी नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा को गंभीरता पूर्वक जानिएगा, क्योंकि ये आरोप जो है, ये आरोप गंभीर आरोप है। हमारे साथ में जो महिला खड़ी है, अपने सहयोगी से अपील करेंगे, इनका चेहरा दिखाएं। ये कांग्रेस की ऐसी महिला है जो पिछले 5 साल से कांग्रेस के लिए जमीन पर बैठकर संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है। मैं फिर अपने सहयोगी से अपील करूंगा, इसके चेहरे को गौर से दिखाएंगे। इनका नाम लक्की कुमारी है। अब इनका दर्द क्या है, इनका पीड़ा क्या है, ये मैं आपको इनकी जुबानी सुनाता हूँ। लक्की जी, क्या हुआ आपके साथ? देखिए, पहले तो हम एक लड़का से ये करते थे, प्यार करते थे। वो हम दोनों शादी करने वाले थे, बट कुछ कारण की वजह से वो इनकार कर दिया। और जब इनकार किया तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी सिस्टर की भी शादी थी, जिसमें मैंने 35,000 भी दिया कि चलो ननद की शादी है, दे देते हैं, हेल्प हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया, मेरा आईडी बनाया, फेसबुक आईडी बनाया, जिसमें मेरा फ़ोटो और कॉन्टेक्ट नंबर सबको दिया। उसके बाद मैंने जब उसकी सिस्टर को कॉल करके बोला, तो उसकी सिस्टर को उसको ख़राब लगा कि घर पे क्यों जा करके बोली, क्योंकि घर वाला को उनको बताना नहीं था कि हमारे बीच में जो भी है संबंध, वो बताना नहीं चाह रहा था। उसके वजह से वो अजय सिंह के पास गया। अजय सिंह कौन है? अजय सिंह यहाँ के आपका पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यूनियन का भी महासचिव बने हुए हैं। लक्की जी, पहले आप एक बताइए, आप कांग्रेस में किस पोस्ट पर हैं? हम प्रदेश अध्यक्ष के, राजीव गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिला विंग के, और यूथ इंटेक के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, ये छोटी छोटी छोटे पद पर नहीं है। इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक ठाक है। सत्ता में है कांग्रेस, सत्ता में है, महिला सुरक्षा और कांग्रेस महिला नेत्री का दर्द सुनिए। और ये भी बताएंगे कि जिसने इनके साथ में गलत किया है वो कौन है। हाँ, आप आगे बताइए जी। मेरे साथ में जब पता चला तो उसने क्या किया, वो वहाँ से भाग गया, जिसकी वजह से मैं फिर अजय सिंह बोले कि बाबू देखो, तुम्हारा पैसा जो बनता है वो ले लो। मैंने कहा मेरा भैया इज्जत उछला है, पैसा क्या क्या बात है, पैसा तो मेरे को ऐसे भी नहीं चाहिए, मेरा इज्जत गया है तो मुझे उस लड़का से शादी करना है। तो उन्होंने बोला आपका मैटर है, आप जानो, आप दोनों जाइए, प्रेस में जाइए, जहाँ जाना है जाइए, और जा करके अपना मैटर को ये कीजिए। आपने पुलिस को कंप्लेंट किया था क्या? जी नहीं, पुलिस को कंप्लेन तब तक संसद प्रतिनिधि जो यहाँ के पानी का है, मोनू झा, हिमांशु झा, उन्होंने बोला कि ये मैटर घर का है, इसको ज्यादा नहीं बढ़ाने का। घर में आप कहाँ कहाँ फरियाद लगाए? घर में फुलकान झा जो यहाँ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनको भी बोला गया। आपका अवधेश सिंह है जो यूथ इंटे के जिला अध्यक्ष है, उनको भी बोला गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा, जब मोनू झा पे आया तो मोनू झा बोला ठीक है, मैं लड़का को बुलाता हूँ और बुला करके मैं तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्व करता हूँ, तुम्हारा जो पैसा बनता है वो तुम ले लो। मैंने कहा मैं अपना पैसा नहीं लूँगी, ठीक है, उसको मेरे से शादी करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है तुम चलो, एक काम कर। हम बोले कि ठीक है, तुम बुला रहे हो या कि नहीं? तो बोला कि देखो उसका भाई का नंबर है जो मेरे से कॉन्टेक्ट कर रहा है। हम बोले ठीक है उसका नंबर दो। फिर उनसे बात हुआ, तो उनसे जब हैप्पी जयसपाल से बात हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है आज हम लोग गुरुद्वारा में मीटिंग रख रहे शुक्रवार के दिन में मीटिंग हुआ। शुक्रवार के दिन में जब मीटिंग हुआ तो लड़का का फैमिली, उसकी मम्मी शादी से हाँ कर दी कि ठीक है मेरा बेटा गलती किया है तो हम लोग शादी करेंगे। उसकी मम्मी बोली 2 महीना, कभी बोली 2 महीना, कभी बोली 2 दिन और कभी बोली 1 साल। तो हम बोले कि ठीक है लिखित में दे दीजिए। तो बोला कि मोनू बोलता देखो हम 2 दिन के अंदर तुम्हारा करवा देंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है अभी चलो करके वहाँ से ले करके आया। और फिर उसी रात में मोनू झा, उसके जितने भी फ्रेंड हैं, उन्होंने लड़का का पूरा फैमिली को पैसा उससे ले करके उन लोग को भगा दिया गया। जब ये वाला मामला, जब हम उनको बोले कि नहीं देखो तुम लोग कुछ नहीं कर रहा है, हम इस पे केस करेंगे, तो वो मोनू झा हमको धमकी दे रहा था कि जहाँ जाना है, जहाँ केस करना है करो, मेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ तुमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है करके मेरे को धमकी दे रहा है। और कांग्रेस में किन पर फरियाद लगाए? फरियाद मैंने फिर उसके बाद में मैं संसद के पास गई, मधुकोड़ा जी से बात हुआ,
मधुकोड़ा जी बोले ठीक है, आप देखिए आप जा करके एसपी से बात किए। तो मैंने कहा जी सर, एसपी के पास में भी हम लेटर दे करके आए हैं और एसपी सर भी बोले हैं कि इस पे कार्रवाई किया जाएगा और उन्होंने भी बोला है कि हाँ आपका इस चीज़ का देखा जाएगा करके। मैडम भी बोली और कौन मैडम बोली? गीता कोड़ा मैडम भी बोली और उसके जगह पे अनामिका सरकार को जो कहती है कि महिला इसमें है, महिला टीम में है और महिला का हित के लिए काम करते हैं बोल करके उन्होंने बोला कि ठीक है हम हेल्प करेंगे मैडम, हम मेरे को ये वाला जिम्मेदारी दे दीजिए। और उन्होंने भी बोल करके अभी तक वो चीज़ नहीं कर रही है और ब्लैकमेल मेरे को उल्टा कर रही है कि ज़्यादा करेगी तो लड़का जेल जाएगा, तो जाने दो क्या दिक्कत है, वो खटेगा जेल बोल करके वो किए जा रही। कल जब हम देखे कि कुछ नहीं हो रहा फिर नीतू आंटी को कॉल किए जो वार्ड नंबर 17 के पार्षद है, उनको जब बोला गया तो उन पे फिर वो जानलेवा हमला के लिए बोला गया। अब लकी जी एक चीज़ बताइए आप कि उस लड़के के साथ में आप कितने दिनों से अफेयर चल रहा था? एक साल से। क्या आपके साथ कुछ गलत भी किया था? जी गलत किया था। जी मेडिकल टेस्ट आपका हो सकता है तो आप तैयार हैं? जी सर। देखिए एक और लड़का का नाम क्या? हरे कृष्ण सिंह। और वो क्या कांग्रेस में है? जी कांग्रेस में है। देखा ये कांग्रेस की नेत्री है, नेत्री नहीं है ये प्रदेश लेवल की नेत्री है। जहाँ तक मैं जानता हूँ जमीन पर जुड़कर काम करने वाली और जिस फूलकान झा की बात इनके द्वारा कही जा रही है तो उस फूलकान झा को अपने पिता समान एक बचपन से इन्होंने मानते आया है और उनके उन्हीं से राजनीति का ककहरा इन्होंने सीखा है। आज जब इनके आबरू की बात आई तो उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। यहाँ की सांसद वो महिला है, जब वो फरियाद लगाने जाती है तो वहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। सोचिए आज कांग्रेस अपने खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है, जुटी हुई है। संयोग से झारखंड में कांग्रेस सत्ता में भी काबिज है, लेकिन अगर उस कांग्रेस की नेत्री का ये दुर्दशा हो रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता इसके साथ एक साल तक शारीरिक संबंध बनाता है प्रेम का झांसा देकर और पार्टी के बड़े नेता चुप्पी साध रखे हैं, इंसाफ के लिए लक्की जाए तो कहाँ जाए? सवाल बहुत अहम है। लक्की एक बात बताइए, कोर्ट में आप जो मैरिज का जो अपील की है उसका क्या कंडीशन है? जी उसका तो अभी तक कुछ है नहीं सर, मैं इसका ये भी लेकर के आई हूँ जो अभी कल ही परसों अप्लाई हुआ है ये। और उन्होंने अभी तक लड़का का सर्टिफिकेट जो स्कूल का होता है वो उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया है, जिसकी वजह से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है सर। लड़का अभी कहाँ है? लड़का अभी यहीं पर है, उनका ये घोड़ा हुआ के पास में उनका घर है, वो घर पे है सब और उनकी फैमिली। अच्छा लक्की एक चीज बताइए, आपने कांग्रेस को इतने दिनों से जिया है, कांग्रेस में इतने दिन से आप हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत खराब लगता है कि मैं जब इस पार्टी के लिए इतना कुछ की और उस पार्टी के जितने भी लोग हैं उन्होंने मेरे को गलत ठहराया, मेरा चरित्र पे बोला कि चरित्रहीन लड़की है। किस किस नेताओं ने आपको इस तरह कहा है? मुन्ना शर्मा जो आपका रोड के लिए संसद प्रतिनिधि बनाया गया है उन्होंने कहा, उसके बाद में जितने भी नेता हैं यहाँ पर जितने के पास भी गया, लाल बाबू सरदार से लेकर के जितने भी संसद प्रतिनिधि बनाया है सब ने मेरा इसमें ये किया है और सब ने मेरा इज्जत का सौदा किया हुआ है। लड़का अगर लड़का तैयार नहीं है उसकी फैमिली तो तैयार है करने के लिए, जब मेरे फैमिली तैयार है तो फिर आप लोग क्यों अड़ंगा डाल रहे हो? उन लोग जब दो दिन में करने के लिए तैयार है तो आप लोग क्यों बीच में घुस रहे हो कि अभी पितल पक्ष है? पितल पक्ष लड़का पंजाबी इसमें नहीं होता है, मैं उन लोग को अभी बोले कि लड़का का पितल पक्ष नहीं होता है, हम लोग का बिहारी इसमें होता है और उसमें नहीं होता है। फिर राजू रजक उसमें घुस करके जो यहाँ के हैं वो बोले कि पितल पक्ष चल रहा है जबकि उन्होंने भी कुछ नहीं ये कर रहे। जहाँ तक मैं जानता हूँ लक्की कि आपको राहुल गांधी ने भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। जी क्या जिम्मेदारी आपको मिली थी? मेरे को सर जिम्मेदारी मिली थी कि जितने भी महिलाएं हैं महिलाओं के हित के लिए काम किया जाए और उस बेसिस पे मैं काम भी कर रही हूँ। तो राहुल गांधी तो आपको बाय नेम भी जानते हैं। जी तो अब आप क्या आपसे मतलब क्या चाहेंगे कि अब कांग्रेस में आगे बढ़ें या फिर किनारा? नहीं मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हूँ क्योंकि कांग्रेस से अब उम्मीद ही नहीं है,
जब एक लड़की का इंसाफ नहीं हो सकता है जिस पार्टी में, और जिस पार्टी के लिए मैंने इतना कुछ किया, उस पार्टी के लोग आके मेरे को मारने का धमकी देगा, मेरे घर पे आकर के मारपीट करेगा, तो उससे और उम्मीद क्या कर सकते हैं सर? देखिए, बड़ी बात कही इन्होंने। जिस कांग्रेस को सींचा, जिस कांग्रेस के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया, आज वो कांग्रेस, उस कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जब इसके आबरू की बात आई, किनारा कर लेती है। अब जरा सोचिए कहाँ जा रहा है झारखंड कांग्रेस, और उस कांग्रेस में महिला कितनी सुरक्षित है। फिलहाल मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से उम्मीद करता हूँ कि लक्की के दर्द को समझेंगे, और कम से कम खास करके यहाँ की जो सांसद हैं, गीता कोड़ा जी कांग्रेस से हैं, महिला हैं, महिला के आवाज़ को उठाने के लिए वो कई एक बार आंदोलन भी कर चुकी है, उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि कम से कम लक्की के इंसाफ के लिए आगे आए, क्योंकि लक्की जमीन से जुड़ी हुई नेत्री है, और अगर ऐसे नेत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो आने वाला दिन कांग्रेस में कोई नेत्री नहीं आएगी। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, आगे कल और फिर नए कार्यक्रम के साथ उपस्थित होंगे। संतोष, इंडियन न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड सरायकेला।